have ascertained and we express today publicly that this is not a Dalit versus non-Dalit confrontation. The Executive Council subcommittee, headed by a senior most professor, and here again I am compelled to report that this professor is himself from the Dalit community. The warden who communicated to the students asking them to vacate the hostel, again I am compelled to say the warden himself is from the Dalit community. नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमारी संस्थाएं किस कदर लचर हो गई हैं और उनमें एक घटना को संभाल लें और उसके बारे में सारे तथ्यों को सार्वजनिक करने की साहस की इतनी कमी है कि मामले का राजनीतिकरण होना उनके लिए भी ढाल का काम कर जाता है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4 दिन से अगर सारे तथ्यों को एक साथ सार्वजनिक रूप से रख देती तो क्या हो जाता, बजाय इसके कि एक पक्ष इसका एक कागज लीक करे, एक पक्ष इसका दूसरा कागज लीक करे। थाने से लेकर यूनिवर्सिटी तक की यही हालत है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया कि वे सभी तथ्यों को जानने और समझने के बाद, उनकी पुष्टि करने के बाद प्रेस को संबोधित कर रही हैं। विश्वविद्यालय ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर वे सिर्फ तथ्यों को रखने जा रही हैं, लेकिन उनके कई तथ्यों को लेकर चंद घंटे में ही अलग अलग दावे किए जाने लगे और मामला यहां तक पहुंच गया कि रात होते होते यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और अधिकारियों के SC ST फोरम ने एक बयान जारी कर दिया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है, जबकि स्मृति ईरानी ने अपने प्रेस में दावा किया था कि वे सही तथ्यों को पेश कर रही हैं। मीडिया और बाकी लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। ST ST SC ST फोरम ने कहा कि कार्यकारी परिषद की जिस उपसमिति ने निलंबन का फैसला लिया उसके प्रमुख प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव हैं, जो कि अपर कास्ट हैं, दलित नहीं हैं। स्मृति ईरानी ने जोर देकर कहा कि उपसमिति के मुखिया दलित हैं। फोरम के शिक्षकों ने कहा कि उपसमिति में कोई दलित नहीं है, डीन इस कमेटी के एक्स ऑफिशियो मेंबर मान लिए जाते हैं, मौजूदा डीन दलित हैं। मंगलवार को हमने आपको दिखाया था कि मौजूदा डीन, जो कि दलित हैं और वे निलंबित छात्रों के समर्थन में उनके धरना स्थल पर भी गए थे, डीन ने उमा सुधीर से बात की थी और वे आम आदमी पार्टी के समर्थक बताए जाते हैं। फोरम के शिक्षकों ने दूसरा जवाब यह दिया कि जब से विश्वविद्यालय बना है तब से कार्यकारी परिषद में कोई दलित है ही नहीं। स्मृति ईरानी ने यह जरूर कहा कि कार्यकारी परिषद के सदस्य कांग्रेस के समय बनाए गए थे। जाहिर है उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए था कि इसमें एक भी दलित सदस्य क्यों नहीं है। फोरम के शिक्षकों ने केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर दुख जताया कि हॉस्टल के जिस वार्डन ने निलंबन का आदेश सुनाया वो भी दलित थे। फोरम के दलित शिक्षकों ने कहा कि वार्डन को कोई अधिकार नहीं होता है, वो बस विश्वविद्यालय के फैसले को सुना रहे थे, ना कि फैसला लेने में उस दलित वार्डन की कोई भूमिका थी। यह तो संयोग मात्र था कि वार्डन दलित हैं। इस तरह के निराधार और भ्रामक बयान, वो भी मंत्री की तरफ से दिए जाने के कारण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदों पर बैठे दलितों का मनोबल गिरा है। हम रोहित वेमुला के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर करते हैं और मांग करते हैं कि सभी छात्रों के खिलाफ सारे मामले वापस लिए जाएं और निलंबन वापस हो। 15 में से 13 दलित शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन पर छात्रों का काफी दबाव पड़ा। इन सभी ने विश्वविद्यालयों के भीतर अपने प्रशासनिक दायित्व छोड़ दिए हैं, तो क्या स्मृति ईरानी के बयान से मामला और बिगड़ गया? वैसे दलित छात्र की आत्महत्या के सिलसिले में पूरे देश में हाल फिलहाल की एक ऐसी अकेली घटना है। भले ही संसद के दलित सांसद खुलकर सड़क पर ना आए, दलित विधायक ना आए, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित प्रोफेसरों का यह स्टैंड संस्थाओं को और परेशानी में डाल सकता है। अक्सर ऐसे वक्त में दलित संगठनों की भी शिकायत होती है कि पदों पर बैठे समाज के लोग ऐसे भेदभाव के वक्त क्यों नहीं बोलते, वे क्यों चुप रह जाते हैं। शायद 13 प्रोफेसरों ने आज एक जवाब दिया है। सवाल यह भी है कि केंद्रीय मंत्री के सामने क्या विश्वविद्यालय ने गलत तथ्य पेश किए या तथ्य थे ही नहीं, तथ्य गढ़े गए। उप समिति का मुखिया दलित नहीं था तो यह बात कैसे कह दी गई, जबकि विश्वविद्यालय ने मंगलवार को छात्रों के नाम एक लंबा ब्यौरा जारी किया लिखित रूप से, उसमें भी साफ साफ कहा कि उपसमिति के अध्यक्ष कोई दलित नहीं थे। उमा सुधीर हमारी जो सहयोगी हैं, इसे इस मंगलवार को ही उन्होंने ईमेल से भेजा था। हम इसके कुछ अंश को पेश कर रहे हैं। इस पत्र में लिखा है कि जब अदालत ने सख्त चेतावनी दी तो विश्वविद्यालय ने एक बैठक बुलाई जिसमें डीन, प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें परीक्षा नियंत्रक, चीफ वार्डन
और डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर भी शामिल थे। उस बैठक में फैसला हुआ कि कार्यकारी परिषद की उपसमिति मामले की जांच करेगी और सुझाव देगी, जिसके मुखिया कार्यकारी परिषद के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे। चूंकि कार्यकारी परिषद में, ये देखिए यूनिवर्सिटी करी है मंगलवार को, चूंकि कार्यकारी परिषद में कोई दलित समुदाय से नहीं था, इसलिए हमने डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर प्रकाश बाबू से रिक्वेस्ट की कि वे इसके सदस्य बन जाएं। स्मृति रानी ने कहा था कि अध्यक्ष बन जाएं। डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर प्रकाश बाबू से हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने बात की। उमा ने प्रकाश बाबू से साफ साफ पूछा कि केंद्रीय मंत्री कह रही हैं कि जिस उप समिति सब कमेटी ने फैसला किया उसके प्रमुख दलित थे, क्या ये बात सही है? आप प्रकाश बाबू का जवाब सुन लीजिए जो उन्होंने उमा से कहा। कल यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री मिनिस्टर उन्होंने कहा, केंद्र मंत्री ने कहा कि यहाँ पे दलित वर्सेस नॉन दलित इश्यू नहीं है, लेकिन उन्होंने ये एक बात कही कि चीफ वार्डन यहाँ के दलित थे। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इसने ये डिसीजन लिया उस पर भी एक दलित ही हेड कर रहे थे, आप उस काउंसिल में थे और आपने कहा कि आप उसको हेड नहीं कर रहे थे। सो आई एम नॉट हेड ऑफ दैट सब कमिटी, हेड ऑफ द सब कमिटी इज प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव। आपको कोऑप्ट कर लिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कभी कोई दलित मेंबर थे ही नहीं। सो दे कोऑप्टेड मी एज डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर टू प्रोवाइड द इनपुट्स ऑफ द व्हाट इज ऑनगोइंग। क्या आप उनके साथ सहमत थे कि उन्होंने जो डिसीजन लिया, जो सस्पेंशन का डिसीजन लिया, क्या आपने सहमति जताई थी? नहीं, आई प्रोटेस्टेड एंड इनफैक्ट आई आर्ग्यूड विद देम द सस्पेंशन विल ऑलवेज हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स एकेडमिक करियर। और एसएससी स्टूडेंट्स ये टीचर्स फोरम ने कहा था कि वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से उनसे इस्तीफा दे देंगे। या देर वॉज अ डिस्कशन बट यूनानिमिटी इज नॉट एट देर एंड स्टिल वी वॉन्टेड टू कंटिन्यू द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस एंड हेल्प द स्टूडेंट्स एज फार एज पॉसिबल। प्रकाश बाबू ने कहा कि वे उस उप समिति के प्रमुख नहीं थे, प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव थे, जबकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कमेटी के सब कमेटी के प्रमुख दलित प्रोफेसर थे, वो कंपेल टू से हो गई थी। प्रकाश बाबू ने कहा कि उन्हें पद के कारण कोऑप्ट किया गया था और बैठक में उन्होंने निलंबन के फैसले का विरोध किया था। उन्होंने ही नहीं बल्कि प्रशासनिक पदों पर बैठे दलित अधिकारियों ने भी फैसले का विरोध किया। चार मंत्रियों के साथ अच्छे खासे प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस तरह से धज्जी उड़ जाएगी, हैरानी होती है। इस पर स्मृति ईरानी की तरफ से अभी कोई पक्ष सामने नहीं आया है, जो नया मोड़ आ गया है। इस बीच एक और तथ्य सामने आया है, विश्वविद्यालय ने निलंबन का फैसला वापस लिया तो छात्र विरोध करने लगे हैं। छात्रों का कहना है कि इस आदेश पर जिस डीन के दस्तखत हैं यानी प्रकाश बाबू के, वे तो इस मामले में आरोपी बनाए गए जिसे सुशील कुमार ने दायर किया था शुरू में, बाद में प्रकाश बाबू को सब कमेटी में लिया गया। क्या इन सब विरोधाभासों से नहीं लगता कि चंद्र छात्रों के निलंबन का मामला इतना जटिल हो सकता है? क्या वाकई राजनीति की कोई भूमिका नहीं रही होगी? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले से राजनीति को दूर रखने पर बहुत जोर दिया, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोगी दल के सांसद हैदराबाद चले गए। लोक जनशक्ति पार्टी के रामचंद्र पासवान ने वहां का दौरा किया और इस पार्टी ने मामले की सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से जांच की मांग की है। चाहे वो सीबीआई से हो, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो, या कोई अगर इससे भी अच्छा कोई जांच, स्वतंत्र जांच एजेंसी है उसके माध्यम से हो। कांग्रेस अब स्मृति ईरानी और वीसी का इस्तीफा मांगने लगी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से कांग्रेस के प्रोपेगेंडा के बहकावे में ना आने की अपील की है। इस अपील का असर लोक जनशक्ति पार्टी पर भी होना चाहिए था और उसे सीबीआई की जांच की जगह मंत्री के बयान पर भरोसा करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल हैदराबाद पहुंचे, छात्रों से मुलाकात की और वीसी के बर्खास्त किए जाने की मांग की। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा भी हैदराबाद गई हैं। सीपीआई सांसद डी राजा ने भी वहां गए और छात्रों के बीच भाषण दिया। छात्रों ने गुरुवार को भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। इन सब का असर ये हुआ कि विश्वविद्यालय ने चार छात्रों के निलंबन का आदेश वापस ले लिया, लेकिन छात्र अब भी नाराज हैं और कह रहे हैं कि जब तक मुकम्मल कार्रवाई नहीं होगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। इन छात्रों ने निलंबन के आदेश की कॉपी जला दी है, क्योंकि कार्यकारी परिषद ने इसमें लिखा कि अति विशिष्ट परिस्थितियों में फैसला लिया गया है, जबकि छात्र चाहते हैं कि विश्वविद्यालय माफी मांगे। इस बीच एबीवीपी के छात्रों ने भी विश्वविद्यालय के परिसर में वो सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। वैसे सुशील न्यूज पोर्टल से बात कर ही रहे थे, लेकिन आज अपनी बात कहने के लिए, गुरुवार के दिन अपनी बात कहने के लिए कैमरों के सामने आए।
सुशील का कहना है कि रोहित की आत्महत्या से वे इतने आहत हुए कि 3 दिन तक अपने कमरे से नहीं निकले। सुशील जो भी एबीवीपी के नेता हैं, उन्होंने दावा किया कि उन्हें घसीटा गया, मारा पीटा गया और उनकी मां तक को गालियां दी गई। शिष्यों को साइड ट्रैक कर रहे दो विद्यार्थी ग्रुप के बीच में जो झगड़ा हुआ, इसको ये सभी जो भी पॉलिटिकल जो भी लीडर्स है बाहर, राहुल गांधी से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल तक, सभी लोग एक इश्यू को डाइवर्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली। एक डेथ पॉलिटिक्स इन लोग क्यों कर रहे हैं? एक स्टूडेंट मार गया तो उसको दलित का कवर ये कलर क्यों निकाल रहे? लेट हिम बी दलित, लेट हिम बी एनीथिंग। अरे वो सभी हम स्टूडेंट है, सभी एक ही साथ पढ़े है। ऐसे देखिए, अगर वो सुसाइड कर लिया बोलते उसके पीछे क्या रीजन है उसे चेक करिए, मगर इसके ऊपर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर इफ यू वॉन्ट, हम भी यही बोले, इफ यू नीड वी विल वोट फॉर यू, मगर ये पूरा है, इसके लिए एक बच्चा का कम्प्लीटली जिंदगी गया, उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी जो चीजें चल रही है, जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी में, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज कही जा रही है, अगर विद्यार्थी सही होते, जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, 4 विद्यार्थियों को उनका रिवोक किया गया है सस्पेंशन, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को रियलाइज हुआ कि उनसे गलती हुई है। आई डोंट नो वेदर द यूनिवर्सिटी हैज रियलाइज्ड इट्स मिस्टेक या इसके प्रेशर की वजह से रिवोक कर रहे हैं, जो भी हो दैट्स फाइन। जब मैटर हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट विल डिसाइड। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये लोग इसके सस्पेंशन किए थे, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही दिस पीपल सस्पेंडेड। मगर अभी जो सस्पेंशन रिवोक हुआ, उन लोग पनिशमेंट देना है बोल के हमें भी नहीं था, हम पहले से भी यही बोल रहे थे। जब प्रोफेसर अरुण पटनायक, हु इज नॉट फ्रॉम माय आइडियोलॉजी, हु इज फ्रॉम हार्ड कोर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, वो मुझे पूछे कि सुशील आई नो योर सिचुएशन, फिर भी तुम्हें डू यू वॉन्ट टू हैव ए डायलॉग विद देम, बोलता मैं जब भी हाँ बोला था, ओके मुझे बात करने की मंजूर है, मगर दीज आर द पीपल हु डिड नॉट इवन एक्सेप्ट फॉर ए डायलॉग विद मी। तो आप पे ये भी आरोप है, और सीवी आनंद कमिश्नर की भी रिपोर्ट इस बात को साफ करती है कि आपने जो एलिगेशन लगाए थे कि आपके पेट में जो इंजरी हुई वो उस मार की वजह से हुई, जो मार आपको पड़ी थी, वो रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है कि वो मार की वजह से वो आप अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई इलाज करा रहे थे। तो वहाँ आप कमिश्नर की रिपोर्ट को भी आप झुठलाते हैं। एक बात बताऊंगा, आई डोंट नो व्हाट कमिश्नर टोल्ड, मगर एक बात बताऊंगा कि मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वो लोग मारने के बाद ही मुझे पेट का दर्द देना क्यों शुरू हुआ? अगर मुझे अपेंडिसाइटिस सही में अगर रहता तो उससे पहले मुझे एक 10 दिन पहले या 10 दिन के बाद होना था, मगर उसी दिन से मुझे पेट का दर्द क्यों देना, वो भी उन लोग मारने के बाद ही क्यों चला? और इवन मेरा मेडिकल रिपोर्ट भी बोल रहा था इट्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट हैज हैपेंड बोल के, और मैं क्या बोलूं?